फोड़ने से पहले ये नियम जरूर जान ले, क्योंकि मुंबई में पटाखे फोड़ने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से नए नियमों की घोषणा की गई है। 3 घंटे नहीं, अब सिर्फ 2 घंटे, नोट कर लीजिए, सिर्फ 2 घंटे ही आप दिवाली में पटाखे फोड़ सकते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आप दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जला सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिवाली के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने 7 से 10 बजे तक 3 घंटे की इजाजत दी थी। एयर पोल्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने नई सीमा तय की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसमें IIT के लोग भी शामिल होंगे। ये टीम एयर पोल्यूशन पर नजर रखेगी और आने वाले दिनों में एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को देगी। मुंबई हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राजधानी मुंबई के निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे। निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वाहनों को ढकना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शाम 7 से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया था, लेकिन नहीं, शाम 7 से 10 नहीं, रात 8 से 10 ही आपको पटाखे जलाने की अनुमति है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाए, क्योंकि मुंबई में दिवाली अब पहले जैसी नहीं रही। दिवाली मनाने के तौर तरीके नियम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। सरकार द्वारा नहीं, कोर्ट द्वारा यह आदेश आया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार और BMC प्रदूषण नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम राज्य सरकार और BMC को करना होगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई में पटाखे जलाने का समय बदला है। अब 7 से 10 नहीं, बल्कि रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।